आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मैं पहुंच चुका हूं सकरा प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय कटेसर में। हालांकि मतलब यहां की कोई भी विधि व्यवस्था हम बताने के लिए आपको हर संभव प्रयास करते हैं कि बताएंगे, और थोड़ा ऊपर क्लास चल रही है, क्लास में सर हैं कि नहीं है वो हम देखेंगे। आप थोड़ा बने रहिए, ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। मैडम सर, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। कौन विषय में पढ़ाई हो रही है? हिंदी। कौन सर पढ़ा रहे? संतोष सर। संतोष सर, अभी इससे पहले कौन घंटी हुआ है बाबू? दूसरा घंटी हुआ है। इससे पहले कौन घंटी पढ़े हो, कौन विषय का? इससे पहले प्रार्थना का घंटी लगा है। मतलब इससे पहले पहला घंटी चल रही है सर? पहला घंटी चल रही है सर। कितना बजे आप क्लास में आए हैं? 7 बजे आए हैं। उससे पहले? उससे पहले प्रार्थना हुआ है। प्रार्थना हुआ, उसके बाद आप क्लास में हैं जी। कोई किसी भी तरह का कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी नहीं है। पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है? पढ़ाने में कैसा लग रहा है सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल की तो बहुत अच्छी, जिस तरह से हम लोगों को किताब बच्चे में आया है, काफ़ी उत्साह है बच्चे में, सभी किताब मिला, कई साल बाद जो है किताब मिला है बच्चे को, सेशन में मिल गया है। और सबसे अच्छी बात है जो सेशन शुरू होते ही किताब बच्चे को मिला, इसमें बच्चे के साथ साथ हम लोग ज़्यादा उत्साहित हैं, जो किताब न रहने के कारण काफ़ी परेशानी होती थी और अब जो है वह परेशानी नहीं है। मतलब सीधा कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में अब सुधार आ रही है? सुधार आ रही है। इसमें सबसे ज़्यादा देन किसका है सर, हाथ किसका है, शिक्षा का या सरकार का? देखिए हम तो कहेंगे सबसे ज़्यादा सरकार के है। सबसे ज़्यादा सर शिक्षा पर शिक्षक का होता है जी, तो शिक्षक का है। हम लोग तो सिर्फ पढ़ाएंगे, क्योंकि किताब उपलब्ध कराना सरकार का काम है। जब तक विषय वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्या हम उसके बगैर बच्चे को क्या देंगे? बात सही है सर का, बात मुझे अच्छा लगा। और सबको किताब मिल गया है क्या? कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको किताब अभी तक नहीं दिया गया है? कौन है? सभी को किताब मिल गया है ना? आप लोगों को नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला आप लोगों को? अच्छा, उस दिन नहीं आइएगा तो घर तक सर थोड़ी आपको किताब पहुंचा देंगे। सबको किताब मिल गया है और शिक्षा व्यवस्था में क्या है कि थोड़ा सुधार हो रही है, और सभी लोगों को स्कूल समय पर आना है और पढ़ना है। और अगर सर क्लास में नहीं आते हैं तो सर को ज़बरदस्ती ऑफिस में से बुला के लाना कि सर मेरा क्लास खाली है, आप हमारे क्लास में चलिए और हमें जो विषय का रूटीन है वो रूटीन भी वाइज पढ़ाइए। शिक्षा के तो कमी नहीं है स्कूल में, लगभग सभी इस विषय के सर हैं। अगर आप लोगों को पढ़ना है सरकारी स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि देखिए सरकारी स्कूल में हर सुविधा मिलता है आपको। अगर कपड़ा नहीं है तो कपड़ा खरीदने के लिए सरकार पैसा देती है कि नहीं? बोलो सर, देती है ना? उसके बाद अगर मान लीजिए घर पर आते हैं आप लोग खाना खा के, लंच भी देती है सरकार, देती है ना? तो वो भी देती है। उसके बाद अगर आप कोई टोला है, उसके बाद आप हाई स्कूल में जाइएगा, थोड़ा दूर स्कूल अगर होगी आपको, 9th में नाम लिखवाइएगा, तो वहाँ जाने के लिए सरकार साइकिल भी देती है कि नहीं? तो सरकारी स्कूल में हर फायदा मिलता है, तो आप लोग फायदा का लाभ उठाइए और सरकारी स्कूल में ही पढ़ने का प्रयास कीजिए। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो इस शिक्षा व्यवस्था पर सुधार हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर आपका क्लास खाली है तो आप ऑफिस में जाइए, हेड सर को बोलिए सर हमारा क्लास खाली है, हमारे क्लास में सर को भेजिए, हम लोगों को रूटीन के विषय में, मतलब आज मैथ है, जो भी हो, जो घंटी रहेगी वो घंटी में सर से मांग करना है कि नहीं? क्या सर, जो भी जानकारी हम दिए हैं सही है कि नहीं? एकदम सही जानकारी है। बहुत अच्छा लगा सर बात करके। दूसरा क्लास में हम जाने का प्रयास करेंगे, हालांकि इसमें बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। और दूसरा क्लास यहाँ पे मैं कहूँ सर, बैठ जाइए। कौन क्लास है ये? बैठ जाइए। किताब मिल गया है ना आप लोगों को? अभी नहीं मिली है ना, लेकिन मिल जाएगी। नहीं मिली है सर किताब लोगों को अभी? कब आया सर किताब? आ गया, किताब आ गया, आज बांट दीजिए। अभी नहीं आया? अच्छा, अभी किताब आप लोग का नहीं आई, लेकिन 1 से 2 दिन 5 दिन के अंदर में आ जाएगा है कि नहीं? अभी गर्मी थोड़ा अत्यधिक गर्मी है, उसके कारण 1 से लेकर 5 तक के बच्चे को, जैसे उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। आप लोग का स्कूल खुलल है, स्कूल में किसी भी तरह का परेशानी नहीं है पढ़ाई लिखाई में? खिचड़ी टाइम पर मिलता है कि नहीं? खिचड़ी टाइम पर मिलता है ना? खाना टाइम पर मिलता है? कोई दिक्कत? कौन कौन सर है यहाँ पे? 5 शिक्षक के नाम बोलो तो बाबू, जो यहाँ के सर है इनको नहीं पता, किनको पता है सर? सब दिन स्कूल को नहीं आता, सब दिन एक दिन जो अब्सेंट नहीं करता वो कौन है? सब कोई अच्छे हैं क्या? तुमको पता है सर के नाम? नहीं पता है। तुमको पता है सर के नाम? नहीं पता है ना? किसी को पता नहीं है क्या? कोई शिक्षक का नाम पता नहीं है? जो भी सर आप लोग को पढ़ाते हैं पता है बाबू तुम्हारा? बताओ तो 5 शिक्षक के नाम। शशिभूषण सर जी, वो सर, संतोष सर, रमेश सर। ये लोग आते हैं ना क्लास में पढ़ाने? यस सर। अच्छे पढ़ाते हैं कि नहीं? यस सर। चलिए अच्छे पढ़ाते हैं, और ठीक है सर, थोड़ा टाइम लिए आपसे, धन्यवाद।
और जो भी क्लास, एक दो क्लास चल रही है, हालांकि डीएम के कथनानुसार दो दिनों अगले संडे तक स्कूल को स्थगित किया गया है बच्चे क्लास को। अब थोड़ा कार्यालय रूम में चलेंगे और प्रभारी सर से बात करने का प्रयास करेंगे। है कौन मैम, क्या सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मैम? डीवीटीएल के लिए काम कर रहे हैं, आधार कार्ड से फॉर्म भरना है। आप क्या कर रहे हैं? हम भी वही काम कर रहे हैं। सभी लोग मतलब अपना डीवीटी वाला प्रक्रिया शुरू किए हैं ना? कोई दिक्कत पैसा वैसे ले रहे हैं कि नहीं? नहीं, जाकर के आप पूछिए बच्चे सबसे क्लास। बच्चे तो नहीं बोले हैं इसलिए आपसे पूछे। नहीं, पैसा हम लोग नहीं लिए। अच्छा मैम, पैसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई स्कूल में हम गए हैं तो वहाँ पे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जो भी है लोग लेते हैं, गलत करते हैं कि नहीं ये नहीं जानते। बच्चा लोग अपना खुद करवाएंगे जा करके, डीवीटी फॉर्म भर के दे देंगे। आप लोग, हम लोग को तो नहीं लेना चाहिए? नहीं नहीं, क्या कि जो भी सरकार का अथी है और बीआरसी से हो, वो मुझे पता जहाँ तक चला है कि इसका फंड पास किया जाता है, वो तो बाद में फंड दिया जाता है कि नहीं? लेकिन अभी जो मतलब जो बहुत सारे स्कूल में पैसा वैसा जो लिया जाता है टीसी के नाम पे, ये वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पैसा लेना चाहिए, घूस लेना चाहिए कि नहीं? नहीं, घूस कभी नहीं लेना चाहिए, घूस से भी नहीं लेना चाहिए। तो सभी लोग अपने ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, हालांकि हेड सर ऑफिस में नहीं है, उसके बावजूद में भी लोग अपना ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। और ये कटेसर स्कूल है, आप पहले ही बता दिए हैं कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय कटेसर में हम आ चुके हैं और थोड़ा प्रधानाध्यापक सर से बात करने का कोशिश करेंगे। चार सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, उम्मीद है कि आप थोड़ा उत्तर देने में अच्छे ढंग से कोशिश कीजिएगा, थोड़ा जल्दी है, आपको भी क्लास लेना है, आप क्लास ले रहे हैं। बोल रहे सर, अभी जो सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है, विशेष शिक्षा व्यवस्था, इतना जो चरमराई हुई है, इसमें किसका देन? सबसे बड़ी बात है, जब शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है तो चरमराई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था ठीक है, लेकिन प्रचारित किया जाता है, प्रचार किया जाता है जो पढ़ाई होता नहीं है सरकारी विद्यालय में, ये सब समस्या है। कुछ आदमी देखता है कि ग्लास भरा हुआ, हल्का खाली है, उसका लगता है जी खाली है, हम लोग समझते हैं भरा हुआ पूरा खाली। तो किसी चीज़ के आप एक बात बताइए, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हुए हैं, वो सरकारी स्कूल में नौकरी कर, सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी भी करते हैं, वही जाकर सरकारी अस्पताल में इलाज भी करते हैं, वही डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज करते हैं तो ठीक हो जाता है पेशेंट, और वहाँ खराब हो जाता है। इसका कारण विश्वास का, लोग पहले प्रचार कर देता है जैसे इलाज ठीक नहीं है, इलाज ठीक नहीं, इलाज ठीक नहीं है, तो स्वाभाविक है जी सब चीज़ होगा, लोग को माइनिया बैठ गया है सरकारी विद्यालय में पढ़ाइए नहीं। सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों के साथ समस्या क्या है, जो हमारे हम लोग के यहाँ वही बच्चे आते हैं जो आर्थिक रूप से विपन्न है, संपन्न तो है नहीं, किसी के पास न बेल है, ड्रेस है, हो सकता है जो चला रहा है सब नशा में, लोग प्राइवेट से तुलना करते, प्राइवेट से तुलना करते तो प्राइवेट के गार्जियन भी आपको ग्रेजुएट मंथली होते ही हैं सब लोग जो ग्रेजुएट किए हुए। तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए, व्यवस्था में कमी, हम लोग जिसको पढ़ा रहे हैं उस स्टैंडर्ड के बच्चा को भी देखिए कौन बच्चा है, उस पर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप अभी भी आए तो देखिए मुझे क्लास अच्छा चल रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है प्रचार करना गलत है, गलत है, पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई नहीं, तो इससे निगेटिव कभी कभी आप देखिए किसी के डॉक्टर के यहाँ जाइए इलाज कराने, डॉक्टर के यहाँ जो बहुत बड़ा डॉक्टर है उस पर आपको विश्वास नहीं है, ठीक नहीं, आप भगत बन जाता है, लोग डरवा लेता है, पता है जो ठीक होगा, अब इसका क्या इलाज है? सर एक सवाल और है कि बहुत सारे जगह से हमको ये सुनने को मिलता है, आपके यहाँ तो अभी तक नहीं सुनने को मिला है, कि टीसी के नाम पे, डीबीटी के नाम पे कुछ पैसे लिए जाता है, क्या सवाल हम और स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, लेना चाहिए कि नहीं? नहीं 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 लेना चाहिए, लेकिन लोग ले रहे थे, इस पर आपका क्या विचार है? ले रहे हैं तो गलत है ना सर, आपके यहाँ बच्चे को किताब मिल गया क्या? सब बच्चा को सब यहाँ पांचवा आठवा और चौथा का किताब आया, तो पांचवा जो उस दिन आठवा का बच्चा का उसको बांटे हैं, पता क्या है बच्चा किताब लेकर घर पर बैठ जाता है, रिचार्ज नहीं आता, इसलिए गंगा इधार दिए हुए जो लोग की कमी है आप लोग बढ़ाइए, प्रत्येक दिन आइए और आने लड़का भी आते रहिए, किसी भी दिन मार देंगे, हमारे पास 150 लड़का है, 80 किताब है,
बहुत अच्छा लगा सबसे बात करने के लिए। क्या बाबू तुम लोग आए हुए यहाँ पे टीसी लेना है क्या? पैसा वैसा भी मांगा गया? पैसा वैसा मांगा गया टीसी यहाँ पे? नहीं मांगा गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय कटेश्वर में पहुंच चुके हैं, जो कि आप लोग बराबर हमसे मतलब रिक्वेस्ट या मतलब आग्रह रहता था कि आप फलाना स्कूल में जाइए, कटेश्वर स्कूल में जाइए। हम आ गए हैं। यहाँ का विधि व्यवस्था हर एक चीज़ पर नजर डालने का प्रयास किए, हर चीज़ लगभग हमको सही मिला है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। अगर ऐसा आप लोगों के पास किसी भी प्रकार का एविडेंस है कि सर अगर पैसा ले रहे हैं, सर अगर पैसा का मांग कर रहे हैं या सर लेट आ रहा है, तो वो एविडेंस हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। और हम एक विश्वास दिलाते हैं कि हर संभव प्रयास करेंगे, हम आपको सपोर्ट करने के लिए जहां तक हमको होगा वहां तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। यही वाणी के साथ लास्ट में हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जय हिंद।